हेलो फ्रेंड्स, मैं लवी आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्णिका स्पेशल पर। आज की जो हमारी रेसिपी है ना, वो बहुत ही टेस्टी और मीठी होने वाली है। तो इस रक्षाबंधन को आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं इसे हम बनाते कैसे हैं। तो हम ले लेंगे यहाँ पे एक बर्तन और इसमें हम डालेंगे एक कप चीनी। तो हम यहाँ पर एक कप चीनी डालेंगे और आधा कप पानी डालेंगे। तो अब हम इसे बनाने जा रहे हैं चाशनी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक चाशनी बनाकर तैयार कर लेंगे, उसे हम साइड में रख लेंगे, फिर हम आगे की प्रोसेस को बढ़ाएंगे। तो इसको हम मैंने गैस पे चढ़ा दिया है और इसको हम इस तरीके से चलाएंगे जिससे जो चीनी है वो अच्छे से घुल जाए और ये पक जाए। थोड़ा सा हम इसे एक तार की चाशनी होने तक मतलब पका लेंगे। तो ये देखिए, ये जो है चीनी अच्छे से घुल गई है और हम चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे एक तार बनना स्टार्ट हो गया है। तो अब हम चाशनी को बंद कर देते हैं। और अब ले लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई और इसमें हम डालेंगे आधा कप घी। वैसे तो आप इसे रिफाइंड में भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप घी में बनाएंगे ना तो मिठाई का टेस्ट और बढ़ जाएगा। अगर आप घर में बना रहे हो तो मेरे ख्याल से आप शुद्ध घी का ही यूज कीजिए। और इसमें हम डालेंगे ये एक कप बेसन। तो मैंने यहाँ पे एक कप बेसन डाल दिया है और इसको हम अच्छे से भूंज लेंगे। तो हमें बेसन को बढ़िया सा भूंजना है और एक अच्छी सी खुशबू आने तक इसे हम इस तरीके से लगातार चलाते हुए भूंजेंगे। और गैस की जो फ्लेम है उसको हम मीडियम टू लो रखेंगे जिससे जो हमारा बेसन है वो जलने ना पाए। तो अब हम बस इसी तरीके से लगातार इसे हम चलाएंगे। हम कर देते हैं गैस की फ्लेम को लो और अब हम कर लेते हैं अपनी प्लेट को सेट जिसमें हमें बर्फ़ी को जमाना है। तो मैंने ले ली है यहाँ पे एक थाली और उसमें भी मैंने नीचे थोड़ा सा घी लगा दिया था, साथ ही इसके ऊपर मैंने एक बटर पेपर रख दिया है। आप चाहें तो अगर बटर पेपर ना हो तो ऐसे भी घी लगा कर छोड़ सकते हैं। तो ये देखिए, जो बेसन है वो अच्छे से भुंज गया है। जब हमारा बेसन भुंज जाता है ना तो इस तरीके से हो जाता है और आपको पता चल जाएगा और एक अच्छी सी खुशबू आएगी। और अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने चाशनी बना के रखी हुई थी उसको डाल देंगे। तो जो चाशनी है ना वो हल्की सी गर्म भी होनी चाहिए। तो अब हम चाशनी को डालने के बाद तुरंत इसको हम मिक्स कर देंगे, मिला देंगे। और अभी आपको ये पतला सा लग रहा होगा और इसे हम जैसे जैसे पकाएंगे तो ये गाढ़ी होने लगेगी। तो धीरे धीरे करके ये गाढ़ी हो जाएगी। तो देखिए, ये पहले से काफ़ी गाढ़ी हो गई है। और इसी तरीके से और हम इसे पकाएंगे जब तक कि कढ़ाई जो साइड में लगा हुआ बेसन है ना वो छोड़ ना दे। तो ये देखिए, पूरा एकदम बेसन छोड़ दिया है और ये पक गई, पूरा एकदम इकट्ठे होने लगे हैं। और अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे एक थाली पर निकाल लेते हैं और इसको हम तुरंत ही पूरा सेट करेंगे क्योंकि ये ठंडी ना हो पाए। एक चम्मच की हेल्प से मैं इसे सेट कर देती हूँ और इसके ऊपर मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स डालूंगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे बादाम लिया है। अगर आपके पास यहाँ पे सिल्वर वाली बर्फ है तो आप उसे भी डाल सकते हैं, उससे देखने में और भी सुंदर लगेगी ये बेसन की बर्फ़ी। और इस तरीके से मैंने यहाँ पे बादाम के टुकड़े डाल दिए हैं और एक चम्मच की हेल्प से मैं इसे दबा देती हूँ जिससे कि ये जो बादाम के टुकड़े हैं वो अंदर अच्छे से इस तरीके से सेट हो जाए। और बस इसे हम हल्का सा ठंडा होने के लिए रखेंगे, ज़्यादा ठंडा नहीं होने देंगे। और इसके बाद तुरंत इसे हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए, थोड़ा सा ठंडा ही हुआ था कि मैं इसे कट कर लिया है, क्योंकि अगर ये थोड़ी सी जब ज़्यादा ठंडी हो जाएगी ना तो हमें इसे पीस कट करने में ज़्यादा मेहनत लगेगी। और बस इस तरीके से हम इसके आप जिस शेप में चाहें उसके पीस कट कर सकते हैं। तो ईजी है ना बेसन की बर्फ़ी बनाना, और खाने में तो बहुत ही टेस्टी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए घर पर। तो रक्षाबंधन के लिए बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ईजी मिठाई है, आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मुझे कमेंट करके ज़रूर ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपने ये मिठाई घर पर बनाई कि नहीं बनाई। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नई ईजी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।